तो मेरी सुपोच देखिए सरकारी नौकरी के साथ साथ चर्चा तो ये भी चल रही है क्योंकि स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी है जो प्राइवेट नौकरी है उसमें यहाँ के जो लोग हैं उनको 80% रिजर्वेशन मिले, क्या इस तरफ सरकार सोच रही है या ऐसी मांगों पर आप लोग विचार कर रहे हैं? मैं दो बातें क्लियर कर दूं, किशोर जी इस राज्य की पहली निर्वाचित सरकार में मंत्री रहे, किशोर जी इस राज्य की तीसरी निर्वाचित सरकार में सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष रहे। मैंने कहा भाषण देना बहुत आसान काम है, भाषण देकर जनता को शब्दों के जाल में फंसाकर आप मीठी मीठी बात कर सकते हैं, आप सत्ता पक्ष के अध्यक्ष रहे, आप मंत्री रहे, आप कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद आप कहते ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई आखिर आप सत्ता पक्ष के अध्यक्ष थे, क्यों नहीं रिपोर्ट कर दिया आपने इस बात को लेकर? सर एक सेकंड, मैं अभी क्या हो रहा है ना, चर्चा ऐसे है कि होने का ये होना चाहिए, मार्मिक बातें कहकर भ्रमित तो कर सकते हैं। सर क्या हो रहा है ना, वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, आप कह रहे हैं ये हुआ नहीं। इस बीच में क्या हो रहा है कि फिर किसकी जिम्मेदारी है? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी अभी आपकी है। ये भी हमारे देखिए बहुत लंबा वो बोले, मैंने उनकी भूमिका बताई कि वो तो सत्ता में रह भी चुके हैं, मंत्री रहे हैं और उसके बाद नहीं सर ठीक है, मुझे वो जल्दी से काम गिना दीजिए सर, वो काम गिना दीजिए जिसको लेकर आप उत्तराखंड में चुनाव में उतरने वाले आने वाले समय में सर, ये क्योंकि अभी क्या हो रहा है बहुत सर उनकी कमियां बहुत, अगर कमी नहीं होती तो उनको सरकार से बेदखल नहीं किया जा सकता, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जब एक सेकंड आपकी डिबेट को यही लोग जो सामने बैठे नहीं देख रहे, बड़ा लोकप्रिय आपका चैनल है, लाखों लोग इसको देख रहे होंगे, तो लाखों लोगों को जो देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि बातें भाषण में बोलना बहुत आसान काम है। मैं इसलिए उस बैकग्राउंड पे गया। अब प्रश्न ये है कि आपको नौजवानों को किस तरह से अब रोजगार दें, जो आपने रिवर्स मैजर से पांच काम, रिवर्स ऐसे कौन से पांच काम आपने, हाँ लीजिए मैं पांच कामों को बताता हूँ। मैंने आपसे कहा 65% लोग कृषि पर आधारित हैं, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हमारे यहाँ कोविड के बाद रिवर्स माइग्रेशन हुआ तो हमारा अंदाजा था कि अगर हम इसमें 15-20% लोगों को भी रोकने में सफल हो जाएंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, और मुझे खुशी है इस बात की कि 20% के आसपास लोगों को हम रोकने में सफल हुए, और इसके आंकड़े ये हैं, हमने 90% सब्सिडी पे पॉली हाउस देकर करीबन 6,500 पॉली हाउसेज के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि नौजवान को पॉली हाउस के माध्यम से कृषि के क्षेत्र जोड़ के अगर हम प्रयास करेंगे तो 90% सब्सिडी। इसके अलावा हमने हाई टेंसिटी जो हमारे प्लांटिंग मटेरियल था हमने फार्मर्स को अवेलेबल कराया 75% सब्सिडी पे, कि आज बागवानी बागवान बनकर के हमारा नौजवान अपनी आजीविका को चला सकता है। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से सैकड़ों नौजवानों को रोजगार देने का काम किया, हमने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। देखिए अब हंसने का नहीं, नहीं, नहीं आपको रोजगार की संभावनाओं को लाना होगा। मेरे आप, मेरे आप, मेरे गांव में एक आदमी का नाम बता दो अगर रोजगार मिला हो। मैं भैया नहीं नहीं मैं एक आदमी का जितने आप यहां पर आंकड़े रख रहे हो, अगर आपके गांव के लोग अगर आपके गांव के लोग काम करने के आदि नहीं है तो मैं आपको काम करने का आदि नहीं बना सकता। बंदरों का सौरों का इलाज नहीं कर पाए हो, खेती की बात कर रहे हो, आप इतना बड़ा विभाग है आपके बंदरों और सौरों का कृषि से बड़ा कौन सा विभाग हो सकता है? मेरे मित्र पॉली हाउस में बंदरों का कोई काम नहीं होता, पॉली हाउस हमने पॉली हाउस फोकस किया कि ताकि वाइल्ड एनिमल उसको नुकसान ना पहुंचा पाए। ये पहली सरकार है जिसने वाइल्ड एनिमल के डैमेजेस को भी हमने उसको मुआवजे से कवर करने का काम किया। इससे पहले कभी जानवर के नुकसान पर नुकसान मुआवजे नहीं था। क्षेत्र अपनी विधानसभा क्षेत्र का हाल सुन लो, मैं आपकी विधानसभा क्षेत्र में गया, वहाँ गांव वालों ने कहा कि भाई साहब हमारे मंत्री जी हैं उनसे निवेदन कर देना कि जितने ये भुतवा घर हैं कम से कम यार इनको तोड़ दो और मनरेगा में तोड़ दो, यहाँ कहीं जो है वो सांप घुस जाते हैं, कहाँ कहीं भालू घुस जाते हैं, कहीं बाघ घुस जाते, हमारे बच्चे खतरे में हैं। और आपके यहाँ 100 गांव हैं जो मैं आपको अभी लिस्ट के साथ दे सकता हूँ, अभी दे दो आप बुरा अभी सब तक दे दो। मैं भाषण आपको भाषण देने की कला में और लोगों को लच्छेदारे बोलकर किशोर उपाध्याय
बहुत हो गया, नौजवान बहुत समझदार हो गया, लक्ष्यदार बातों में नहीं जाता, काम पे लोग जाते हैं। पब्लिक विकासवादी है, विकास की सोच रखती है, स्वरोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाने पर विश्वास करती है। तुम्हारी तरह लक्ष्यदार बातें सुनकर लक्ष्यदार बातें नहीं होती मेरे भाई, तो आज ये हालात का होते। पार्टी ने घोषित कर दिया अपना सीएम चेहरा, कांग्रेस का सीएम चेहरा कौन है? क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं जल्दी से जानना चाह रही हूँ जी, सीएम चेहरा कौन है सर? क्यों, मेरा चेहरा खराब है क्या सर? ये चेहरा शायद आला कमान को पसंद ना आ रहा हो। नहीं आप बताओ क्यों सर, आला कमान से पूछा ये चेहरा आपका पसंद आ रहा है या नहीं? देखिए अभी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। किशोर उपाध्याय है चेहरा उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री के, मान लो सर मैं घोषणा कर दूं आज इस पंचायत से, मैं तो 12 में बन गया था, अगर इनकी कृपा नहीं होती सबकी, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछ लो इनसे। हरीश रावत है 12 में बन जाता, किशोर जी बड़े बारे बन जाने में, अगर जब तिवारी जी मुख्यमंत्री थे हमारे यहाँ, मन के कर्ण मेरी कोई सुनतु ही नहीं, जब अध्यक्ष बने जब मन के कर्ण मेरी कोई सुनतु ही नहीं, इस तरह बोल बोल के जनता को भ्रमित करने का प्रयास मत किया। जब से सर एक नाम, जब से यहाँ सरकारें बनने की संवैधानिक प्रक्रिया आई है, तब से कांग्रेस का एक परिपाटी है। हमारे जो विधानमंडल दल हैं और उसके सदस्य मेरे भाई भी रहे हैं, इन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं कि उसमें जो विधायकों की राय होती है और उसके बाद जो हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो लोग दोनों मिल करके तय करते हैं। और यही हमने सर, आपका तो तय है, आप पूछ लीजिए। आपको मालूम है उन्हीं के नेतृत्व में हमारा 2017 में ये किसके नेतृत्व में चुनाव, हमारे कोई दो राय, कौन सा विधानमंडल दल बैठा था 2017 में, आखिर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े? उसमें कोई दो राय नहीं है हमारे यहाँ, कोई दो राय सर आपका चेहरा क्लियर है, बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री का हमारे यहाँ, हमारे देखिए अरे हमारे यहाँ एक साल में 3 मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो डाउट होता है कि चुनाव के बाद कहीं चेहरा जिस चेहरे के प्रकाश में सारे इनके चेहरे अंधकार में चले। इनसे पूछ लीजिए कि 5 साल में 10 होंगे कि 6 होंगे कि 15 होंगे, पहले इनसे पूछ लीजिए। एक चीज तो ये भी हो सकती है कि इनके पास इतने ऑप्शन है, कांग्रेस तो एक तय नहीं कर पा रही है। चाहता हूँ मेरा भाई बन जाए, मेरा भाई बन जाए, हम एक ही जिले के, मुझे खुशी होगी। सेशन यहीं पर मुझे रोकना होगा, 6 महीने के लिए इनका भी नंबर आ जाए, कितना अच्छा रहेगा। जैसे मैं बन गया, मैं भी तुम्हें ले आऊंगा बीजेपी में। मैं कम से कम टीवी इनके हेलीकॉप्टर में झूल करके चला जाऊंगा, यही बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर उपाध्याय जी जुड़ने के लिए, सुबोध जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंचायत, शुक्रिया।